गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है राज्यों के नामों में परिवर्तन और ये हमारा शॉर्ट वीडियो होने वाला है। हम सभी जानते हैं ये जो टॉपिक है पॉलिटी को से बिलोंग करता है। तो आज की तारीख में हम अगर देखें भारत के परिपेक्ष में तो 28 राज्य और 8 जो है यूटी है, दैट मीन केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या आज जिनके जो नाम हैं स्टार्टिंग से, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ या संविधान लागू होने के बाद यही नाम थे? तो इसका आंसर है नहीं, कुछ राज्यों के नामों में परिवर्तन किए गए हैं। तो इसी के तहत आज हम बात करते हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो इस आगे बढ़ने से पहले, आपको बोर्ड पर सब दिख रहा है लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप जानते हैं कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किसी भी राज्य के नाम में जो परिवर्तन किया जाता है वो आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो बिल्कुल आपके सामने दिख रहे हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो संयुक्त प्रांत जो है ये 1950 तक संयुक्त प्रांत कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम जो है 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जो कि आज नया नाम है, हम जानते हैं इसको उत्तर प्रदेश के नाम से। मद्रास को 1969 में तमिलनाडु का नाम दे दिया गया। मैसूर का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक किया गया, कब? 1973 में। इसी प्रकार 1974 में लकादीप मिनिकाय अमीन दीवी का नाम जो है लक्षद्वीप करा गया, और 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया। और ये वाला जो परिवर्तन है ये है 69 अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। बात करते हैं हम 2006 पे, तो उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम किया गया, दैट मीन उत्तराखंड का इसके पहले नाम क्या था? उत्तरांचल था। तो 2006 में नाम परिवर्तित किया गया। इसी प्रकार जो पौंडीचेरी है 2006 में इसका नाम परिवर्तित करके पुदुचेरी कर दिया गया, और सिमिलरली 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कहा गया। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।